वही कह रही हूँ, लेट्स स्टार्ट. लाइक बोन स्ट्रक्चर वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है. लोकेशन कहाँ है, वेयर आर बोन्स प्रेजेंट, अकर्स इन द बॉडी. राइट डाउन लोकेशन, राइट डाउन लोकेशन. Write down occurs in the body. Occurs in the body. They are joined together to form a. They are joined together to form a endoskeleton of animal body. Occurs in the body. They are joined together. They are joined together. To form endoskeleton, हाँ जी, of animal body. What are the functions of the bone? Endoskeleton of the animal body. What is the function? They provide structure or strength, that means protection to the different organs. The shape, structure, sportive in nature, all these are the functions. Kyunki movement. Move, wahi usne bola, movement. Theek hai ji? Helps in the movement. You can write, provide movement, structure, sportive framework, aur humne kya kaha hai? Protection to the different organs of the body. All these are done by the skeletal system. ठीक है. Next हमारे पास है cartilage. किसके अंडर है ये bone and cartilage दोनों? Endoskeleton किसके अंडर है? कौन सा tissue discuss कर रहे हैं? कौन सा? Skeletal, जिसमें हम क्या discuss कर रहे हैं? Bone and cartilage. Now cartilage. हाँ जी गुरपाल जी, वेयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट? ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ठीक है, इट इज प्रेजेंट. इसकी लोकेशन लिख लो, पहले लोकेशन ही लिख लो, इजी हो जाएगा. वेयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट? नोज टिप. ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है नोज टिप. ईयर पिन्ना, इट इज प्रेजेंट नोज टिप. ईयर पिन्ना लिखना मत, आई एम जस्ट टेलिंग. हाँ, ये वाली, ये चीज, इसको आप जैसे मर्जी करते हो, थोड़ी देर ऐसे करते हो, छोड़ते हो, अगेन इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नहीं होता यहाँ पे. ठीक है, इसको भी आप, कई लोग बहुत ज्यादा मोड़ लेते हैं. ठीक है, सो दीज आर द कार्टिलेज. आपको पता है कि एनिमल्स में भी जो शार्क है, फिशेज में अगर हम बात करें तो शार्क है, इन सम फिशेज लाइक शार्क, उसकी पूरी बॉडी ही जो है वो कार्टिलेज होती कुछ. ठीक है, वी विल नॉट राइट. राइट डाउन स्ट्रक्चर. हाँ जी, स्ट्रक्चर. राइट डाउन फ्लेक्सिबल. इट इज अ फ्लेक्सिबल स्पोर्टिव. फ्लेक्सिबल, हाँ जी, स्पोर्टिव. फ्लेक्सिबल स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. मैट्रिक्स हैज well spaced. Matrix has well spaced filled lacuna. Lacuna is a singular, plural is lacunae. E word लगता है पीछे. ठीक है, having 1 to 4 lacuna, having 1 to 4 living cells. Called, वहां पे bones को क्या कहते, नाम दिया था हमने bone cells का, osteocyte. यहां पे है कॉन्ड्रोसाइट्स.
कॉन्ड्रोसाइट्स, साइट्स वर्ड रिप्रेजेंट इसके फंक्शन लिख लो, फिर मैं डायग्राम एक ही बार बनवा देती हूँ. राइट डाउन द फंक्शंस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स, प्रोवाइड जी प्रिवेंट्स, वी कैन राइट एंड वी कैन ऑल्सो राइट लाइक की क्या हुआ, जिसकी वजह से दैट इज वाई द पिन्ना कैन बी इजिली फोल्डेड. ठीक है, ये बेंट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है तो दैट्स वाई द पिन्ना कैन इजिली बेंड. ठीक है, डायग्राम बनाए. हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या लाइंस लिखी हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसके बीच में क्या है, वेल स्पेस लैकुना, ये खाली जगह है मान लो. ठीक है, दिस इज लैकुना. मैट्रिक्स क्या हुआ, ये मैट्रिक्स हो गया, हमने ये मैट्रिक्स बना. अब इस मैट्रिक्स में हमने लाइन क्या लिखी कि इट इज हैविंग अ लेफ्ट स्पेसेस. ठीक है, दैट इज फिल्ड विद द लैकुना. लैकुना यानी कि बीच में एक खाली जगह हो गई. ठीक है, उस लैकुना के आगे मैंने क्या लिखवाया कि 1 to 4 लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, अब यहाँ पे यू विल मेक लाइक दिस, ये कोई पर्टिकुलर लैकुना की कोई आउटर बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ एक शो करने के लिए बताया गया कि ये है. ठीक है, यहाँ पे 1 to 4 सेल्स ऐसे आपने बना लेने, 1 भी बना सकते हैं ऐसे नहीं. ठीक है, ओके, गेटिंग मी पॉइंट. 1 2 4 मैंने रैंडम बना दिए, 1 2 4 ये स्पेस क्या हो गया, ये क्या है मैट्रिक्स, ये क्या हो गया लैकुना, और ये क्या है कॉन्ड्रोसाइट्स. क्लियर हुई मेरी बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कॉन्ड्रोसाइट्स. और जो ये बाहर वाली लेयर है इसका भी नाम लिख लो, इसको पेरिटोनियम भी बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम भी लिखा होगा कहीं पे. ठीक है, अब मैं एक मिनट वैसे बना रही हूं, कल हमने ये बनाया था. ऐसे बनाया था कल, क्लियर. यहां पे ये भी ऐसे ही अंदर बाहर चला जाएगा, राइट जी. यहां पे आपने क्या बनाए थे, बोन सेल्स, दीज आर कॉल्ड. ठीक है, जब ये दो लेयर्स अरेंज हो गई, दीज आर कॉल्ड लैमेले, दीज आर लैमेले. कंसेंट्रिक रिंग्स में जब बोन सेल अरेंज्ड हैं, दीज आर कॉल्ड लैमेले, राइट.
एल ए एम लिखा नहीं था कलम ने, लैमेले वर्ड का हमने डिस्कस नहीं करा, लैकुना का मीनिंग लिख लिया था, लेफ्ट स्पेसेस राइट डाउन लैमेले एल ए एम ई एल एल ए ई एल ए एम ई एल एल ए ई bone cells arranged in the lines like concentric rings जो हैं, these are the called lamellae. ठीक है, अब लैकुने क्या करा था वहां पे हमने, what is like left spaces between the lamellae is called the lacuna. यहाँ पे lacuna कहाँ है, lacuna के बीच में बनाए हैं हमने. क्लियर, बोन एंड कार्टिलेज इज ओके, क्लियर है. कंसेंट्रिक रिंग्स, रिंग्स ये जो सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है, डिफरेंस लिख लेते हैं हम बोन एंड कार्टिलेज के. अब आप वो मुझे आप बताओगे, लिखने लगे हैं. ओके ओके, रिजिड और हाँ, पहले लाइन लगा लो फिर आप लोग बोलोगे, देन आई विल राइट. करे कर दू रेस या क्या है डिफरेंस जी? बोन्स कैन कांट बी बेंट, ओके. बोन्स आर मेड अप ऑफ बोन्स आर लेस स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू कार्टिलेज. बोन्स को आप कर सकते हो तो वो ब्रेक हो जाएंगी. पहले लिखिए बोन्स आर, नहीं पहले वो लिख लो ना, मेड अप ऑफ, बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, और यहां पे कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स. मैं ऐसे ही लिख दूं, ओके लिख सकते हैं. फिर बोन्स के सेल्स कैसे बनाए थे हमने, कंपैक्टली अरेंज्ड, वेयर एज इन केस ऑफ द कार्टिलेज स्कैटर्ड. मैं इसको भी ना छोटा कर रही हूं पॉइंट, आपको समझ आ गया, मैं यहां लिखने लगी हूं बस. ऑस्टियोसाइट सेकेंड, क्या बोला मैंने, सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज, यहां पे सेल्स आर स्कैटर्ड, या सेल्स आर इन स्कैटर्ड फॉर्म. लूजली लिख ले, डजंट मैटर, लिखो. बोन्स कैन नॉट बी बेंट,
पहले एक तो पॉइंट कर लें, बोन्स कैन नॉट बी बेंट देन कार्टिलेज कैन बी बेंट. और दे आर लिख लो वो बेंट में ही आ जाएगा. चलो और कोई पॉइंट, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी. इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी. स्पीक लाउडर अंशा. वी कैन राइट फ्रेमवर्क है ना. और मैट्रिक्स कैसा होता है बोन और कार्टिलेज में, क्या मैट्रिक्स इज सॉलिड. और इन केस ऑफ द कार्टिलेज और कुछ इन सेमी सॉलिड कह सकते और सॉफ्ट कह सकते, इस सॉफ्ट कह सकते हैं हाँ और सेमी सॉलिड. और ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, लिखो. ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट. ठीक है जी. और लिख लो वो पॉइंट, बोन्स प्रोवाइड मूवमेंट लिख सकते हो आप. दीज आर लेस स्ट्रॉन्ग एंड लाइक कार्टिलेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. पेरिटोनियम लिख लेना, वो बोला है अंशा ने. डन है जी, डाउट तो नहीं है, क्लियर. रहने तो करे. नाउ द नेक्स्ट इशू, कितने कर लिया हमने पहले, एरियोलर एडिपोस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ स्केलेटल, फिफ्थ फ्लूइड टिश्यू. लिखिए ये किस में कर रहे हैं हम. इसको हमने डिवाइड किया था, फ्लूइड टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कौन कौन सी. We will write down the difference between blood and lymph, that's all. Because no diagram is there. So it is divided into two, that is the blood, two types, and other one is lymph. So write down the difference. Blood is red in color. And lymph is yellow. Or पहले why blood is red in color? Hemoglobin is present और वहां पे absent. और क्या present होता है blood में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो उसी का अदर नेम हो गया ना, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. ठीक है, राइट डाउन
फोर कॉम्पोनेंट्स, कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, और उसमें डब्ल्यूबीसी में लिम्फ तो कहेंगे ना, होते क्या हैं डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा? लिखा है बेटा मैंने, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करने में मदद करता है? कौन? प्लेटलेट्स। आप इस पॉइंट को दो भी लिख सकते हो, लाइक क्या कहते हैं उसको, ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं दे हेल्प, मतलब अच्छा ब्लड करते क्या कुछ, क्या करते हैं किस चीज में, मतलब मेन कौन? राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, यही लिख लो, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आर कैरिड विद द हेल्प ऑफ ब्लड। एंड व्हाट द लिम्फ विल डू? वेस्ट मटेरियल्स, लिम्फ कैरी द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट कंपोनेंट लिख लो। और एनी अदर पॉइंट जो आपके माइंड में हो, क्या कह रहे हो? So we can write down this point also as like this, that blood flows through the blood vessels. Likho, blood flows through the blood vessels. Lymphatic system. Blood flows through the lymphatic system. Yahan likho, blood flows through the blood vessels. Blood flows through the lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो, आप अभी नहीं करोगे, टेंथ में यू विल डू। क्या कह रहे हो बच्चे? एक सेकंड, क्या कह रहे हो अंशा? हाँ अच्छा, और क्या लिख सकते हैं पॉइंट, और कोई पॉइंट आपके माइंड में हो? ब्लड के अंदर होता क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, और वो तो हो गया, और वो, और कोई पॉइंट? एनी वन फ्रॉम द ऑनलाइन, और कुछ? ब्लड के अंदर मोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड लिम्फ के अंदर लेस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। More proteins are present in case of the blood and less proteins are present in case of the lymph. We can write. ठीक है? Okay. This is the difference between blood and lymph.